व्लॉग और आज का जो व्लॉग है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आधी रात के 3 बजे आधी रात के 3 बजे इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं सोच भाई होंठ साफ करो, ये क्या लगा दी तुमने इधर, ये क्या लगा कि व्लॉग की टाइमिंग जो है ना 11-12 बजे की देखा उसे थोड़ा सा पहले होना चाहिए, तो उसके लिए हमें व्लॉग स्टार्ट भी उससे पहले ही करना पड़ेगा। तो भाई व्लॉग स्टार्ट हो चुका, 5 बज गए, 5 AM हो गया भाई, फजर का टाइम हो गया है। तो अभी जो है तुम लोग देख, नमाज पढ़नी नहीं है, सकते हो मैंने खा लिया है चिकन, हड्डियां रह गई वो भी खाओ, डाइट चल रही है भाई आपके भाई की। नहीं मेरे भाई एजेंट का फेस नहीं है मेरे भाई, स्पैम ना करो। मैं बता रहा हूँ ये जो है ना ग्रिल्ड चिकन है बड़ा सेक्सी सा, मैं उसको खाते हुए की वीडियो बनाना भूल गया और फिर मैं मजेदार करना भूल गया था, तो मैं तुम लोगों को वैसे बता देता हूँ कि ये बहुत ज्यादा मजेदार था। काफी ज्यादा लोग जो है मुझे कह रहे थे ये मजेदार था, ये अच्छा था कि यार डकी कुत्ते अपना कमरा तो साफ कर ले हैं खबीस। तो यार तुम लोग ज्यादा के देख सकते हो यार, मुनीम ने तो मेरी सुननी नहीं है, मुनीम को क्या कह के चंडे लगा लगा के हमें थक गए, लेकिन कमरा साफ नहीं हुआ यार। तो आज जो है ना ये सारा गंद मलंद इस कमरे, ओ ये कमरा ऐसा ही रहता है, मैंने बहुत टाइम यहाँ पे गुजारा है, ये साफ भी हो जाएगा, ये अगले दिन फिर उससे डबल हो जाएगा, और ये खुद साफ नहीं करता, इसने बंदा रखा हुआ है, हाँ उसको पैसे दे दो साफ करने के, साफ होगा असली बात। ये भी गंद है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा गंद है, उधर काफी ज्यादा गंद है, ये भी एक गंद है जो उठाना पड़ेगा हमें यहाँ से। बाकी साफ हो गया, हम यहाँ पे ना नीचे गद्दे बजा के हम सारे यहाँ पे सोया करते थे, मैं बाबा डिक्टेटर भी आया था वो भी यहाँ पे सोया था, ये भाई साहब सोफे के ऊपर सोते हैं, ये बेड पे सोते नहीं, इसको बेड पे नींद नहीं आती है पता नहीं क्यों। कमरा शमरा हो गया है साफ, तुम लोग देख सकते हो पूरा का पूरा कमरा जो है साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लग रहा है भाई, जबरदस्त हो गया कि नहीं। अब मुनीम ने तो करना नहीं था तो मैंने कहा चलो खुद ही कर लेते, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, ये पतीसा अवार्ड का स्टार इसका वो किधर गया, तारा कहाँ गया, और किधर गया है, तुम लोगों को पता होगा यार ये हमारा टूट के जो है ना पता नहीं गायब हो गया था इसको। तो एक काम करो ना, वो जो जिसका ठीक है उसको तोड़ के यहाँ पे लगा दो, ये भी एक आइडिया है, जो जो है जो लगा हुआ है अगर इस पे लगाना है तो उसको तोड़ के इस पे लगा दो ना, कि तुम जंग लगावे यार, ऐसा दिमाग कहीं नहीं मिलेगा, अब ढूंढना पड़ेगा जब शिफ्टिंग, जब हम लोग नए अपार्टमेंट के तो शिफ्टिंग कर रहे होंगे तभी मिलेगा, अब ये स्टार वरना अब नहीं मिलने वाला भाई। फिर एनीवेज वर्कआउट करते हैं, तुम लोग को पता ही होगा आपका भाई जो है आजकल हेल्दी डाइट, लुल मेरा हेल्दी डाइट, चिपस खाई जा रहे हैं तू, चिपस पिज़्ज़े शीज़े हेल्दी डाइट, साफ सुथरा खाना, तो अभी जो है घंटे का वर्कआउट मार लेते हैं ठीक है कुत्ते वाला, मेक श्योर के पसीना आए, डॉगी स्टाइल कहना चाह रहा अंदर वाली बात मैं कुत्ते वाला, लेकिन वर्कआउट से पहले पी लेते हैं हम लोग कॉफी, ब्लैक कॉफी, बिकॉज़ यू नो वी नीड दैट किक, वी नीड दैट बूस्ट, छोड़े मां बूस्ट बिच, ज्यादा ही अंग्रेजी की फेंक दी पैन, ऑफिस जॉब में बहुत ज्यादा चल गया ठीक है, खत्म तो नहीं होगी, भाई इसके अंदर पानी डाले थे पहले, मैं तुम लोगों को एक जादू दिखाऊं, इस वक्त कप का क्या कलर है, ब्लैक, हाँ ये पानी डालेगा वो गर्म पानी ऊपर आएगा वो चेंज हो जाएगा, अब देखना देखते रहना बस देखते रहना, आए आए आए, ये मेरे पास भी था, ये मेरे पास जादू हो गया भाई, कलर चेंजिंग कप कमाल है कि नहीं, फिर है अब तो कपड़े ऐसे आ गए हैं भाई, चट्टियां ऐसी आ गई हैं, काली चट्टी होगी उसको पानी फेंकोगे ना नीचे से वो ब्रांड निकल आएगा, वो एलवी की मैं चट्टी देख रहा था वो ऐसी थी, पैंच दूध नहीं डाला कोड़ी से, तुम लोगों से वादा किया था कि वेट कम होगा ही आपका, सिक्स पैक वाला डकी भाई आएगा, तुम लोगों से वादा किया है वो पूरा होगा, हाय पेट शायद कम हो जाए, वजन शायद कम हो जाए, ये भी शायद पे कह रहा हूं, सिक्स पैक नहीं आने वाले, लेकिन तुम्हारे भाई पैक आने वाले, लेकिन तुम्हारे भाई ने सिक्स पैक के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, पहले मेरा पेट इतना बड़ा हुआ करता था, लटका करता था पुरानी स्ट्रीम में, मैं ऐसे ऐसे करता था, ओ बैन, अच्छा कब से ये एसी चल रहा है, मैंने अभी रियलाइज किया ये तो गर्म हवाएं दे रहा है यार, गर्म हवाएं यार उसियां मार रही है, तो अम्मा एसी वाले का नंबर भेज दें, हेलो वालेकुम अस्सलाम यार, ये एसी से गेट ऑन, जी सर, यार ये खराब हुआ है एसी, थोड़ा आ सकते हो, क्या इशू है यार, एसी गर्म हवा दे रहा है, फट गई, हाँ डक्की भाई बात कर, वो बात से ही पता लग जाता, एक मिनट कैमरा थोड़ा बड़ा कर ले, अब तो आयो, आपने आवाज से पहचाना है, जी सर, कल देखना कोशिश करना, आ जाओ फिर, मम्मी दिखाओ, मम्मी नहीं है यार,
मम्मी नहीं है मेरे। ओके 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 ओके। गर्मी 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 गर्मी। तो यार गुड वर्कआउट भाई, मजा आ गया, लेवल का सेशन हो गया भाई। पसीने से मेरी इस वक्त जो है ना, नहा लिया मैंने पसीने के अंदर, लेकिन अब हम लोगों को जो है ना वाकई में भी नहाना पड़ेगा। मुझे यहाँ तक बो आ रही है इसके पसीने की, इतना लत पत ये बंदा इस वक्त पसीने में। और मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम लोग कहोगे यार जी ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई, लेकिन भाई साहब उस दिन शॉपिंग शॉपिंग की थी, इसी के अंदर जो है ना कोई नए कपड़े निकाल लेता हूं मैं। आए अच्छा नहीं, ये तो पुरानी पैंट है। आए चलो भाई ना करिए, इतना मोटा हो गया यार, उसका मुंह बघियाड़ जैसा मुंह। अच्छी अच्छी ट्रांजिशन, अच्छी ट्रांजिशन। तुम लोग दे सकते हो, तैयार श्यार हो गए हैं, ठीक है दाम ब्रश कर लेते हैं। यही चप्पल है पहन के बाहर घूमता हूँ। 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी आपका भाई जो है बाथरूम की चप्पल पहन के जो है ना बाहर घूमता है। एक बार किसी बड़े वडेरे साहब के पास चला गया था यार मैं, अचानक जाना पड़ गया है, मैंने बाथरूम की चप्पल पहनी थी यार, कोई फैंसी फूंसी चप्पल ही नहीं है यार मेरे पास। तो भी जाते हैं दाढ़ी वाड़ी साइड। अच्छा यहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे जो है ना ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस वगैरह। अच्छा मैंने गाड़ी ली ना गाइस है, उसमें भी ना ये वाली ना हैंड ब्रेक लगी, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, मुझे पता ही नहीं। पहले दिन मैं उस बंदे से पूछ रहा, मैंने कहा इसकी हैंड ब्रेक किधर है, कहता सर इसकी वो इलेक्ट्रॉनिक लगी हुई है। पैचो पेंडू भाई, पेंडू हैं हम, मेहरान चलाने वाले थे हमने, अगर गाड़ी अगर कुछ बेहतर ले लिया तो हमें नहीं पता। हर गाड़ियों में जो होती है वो लंबी जो है लुल टाइप की हैंड ब्रेक नहीं होती, हमें नहीं पता था। कहता सर ये हैंड ब्रेक इसको ऊपर दगाएंगे, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक। और थोड़ी ना हल्की फुल्की चीजें मिलती हैं, वरना मैं बाहर आया हूँ, मैं रास्ते से खा लू ना तो कुछ तेल हमें कुछ डीप फ्राइड कुछ खाना पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई सैंडविच पकड़ लेते हैं ब्राउन ब्रेड के साथ, ग्रिल चिकन हो। अच्छा ये हर जगह जाता है, जब रेस्टोरेंट वगैरह हम जाते हैं ना वहाँ पे ये ब्राउन ब्रेड ही मांग रहा होता है, ब्राउन ब्रेड सैंडविच। तो ये हलवा पूड़ी खा रहा है उसमें भी कह रहा है, तेल में फ्राई हुई चीज़ को भी कह रहा है, इसमें कैलोरीज तो नहीं इतनी, एक्सक्यूज में कि जो मैं हलवा खा रहा हूँ कि कहीं इसमें तेल तो नहीं है, ये जो मैं पूड़ी खा रहा हूँ ये ड्राई है ये ग्रिल्ड है। कहता पूड़ी बूंदू खा गए नाश्ता करने, आगे से क्या कह रहा है, क्या मुझे पूड़ी ऐसी मिल सकती है जो तली ना हो, क्या मुझे ग्रिल्ड पूड़ी मिल सकती है, ये सवाल है करने वाला। मुझे साथ जो आप चने देंगे ना उनमें ग्रेवी ना डालने, खाली चने दे दें सूखे, मतलब ये इस तरह के सवाल। उबलावा है आजकल जो है, तुम लोग थोड़ी बहुत एनर्जी कम नजर आ रही होगी यार, जब मैं डाइट चेंज किया ना, जब से मैंने डाइट चेंज की है थोड़ा बहुत ना मुझे उसे यूज टू होना पड़ रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा यार। यार मुझे चाहिए जो सबसे कम फैट वाला हो ना। डाइटिंग चल रही है, डाइटिंग चल रही है, टिडबिट अंदर करने ना, तो कोई ऐसा दो जो, ये तो व्हाइट ब्रेड है, समझ गए होगे यार, बस आपको पता है ज्यादा बेहतर। वैसे है क्या क्या पड़ा हुआ ये हमारे पास है, सैंडविचेस है, ये ब्राउन में है, ब्राउन ब्रेड में है, ब्राउन ब्रेड वाला निकाल दो, एक ब्राउन ब्रेड वाला निकाल दो और साथ और 2 सैंडविच खाने, मतलब पेट उतना ही है अभी, डाइटिंग करनी है, ब्राउन ब्रेड यूज करनी है, लेकिन खा दे 2 ही सैंडविच हैं। करते हैं यार कैसे हैं? मैं वही नोटिस कर रहा हूं, ये तुम्हें खा के कैसा लगता है मजेदार, लेकिन तुम डीप फ्राइड नहीं हो, तुम्हारे अंदर चीज नहीं है, तुम पिज्जा नहीं हो, बर्गर नहीं हो, हैं कुत्ते यार मुझे बहुत भूख लग रही है इस वक्त, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खाना पड़ेगा यार, मजा नहीं आ रहा, जरा भी नहीं मजा आ रहा है। यहाँ पे जो है हम लोग आए हैं चप्पल पकड़ने, काफी देर से जो है ना बाथरूम वाली चप्पल पहनी है मैंने, ये वाले कर दो, इसमें सबसे बड़ा जो है ना पाउंड निकाल दो यार, बल्कि एक काम करो ये दे दो, ये इसका ना असल में ये रहे ना, ये सोल भी थोड़ी मोटी है, इससे मेरी ना कोडी हाइट थोड़ी लंबी लगेगी, स्मार्ट टक्की भाई। जूते शूते खरीद लिए भाई, हुन चलिए कटिंग करान, सिर्फ मुंह के बाल ही काटते हो या और भी कहीं के काटो? नहीं और भी काट देंगे, बालों की बात नहीं कर रहा डकी, कुछ और बात कर रहा है, वो कह रहा है जब नहीं होगा तो फिर बाल भी नहीं आएंगे, लौंडे के कहने की बात ये है। काट दोगे? छाती की बात कर रहा हूँ मैं, छाती की काट दोगे? छाती के काट, नहीं आप क्या समझे? नहीं मैं भी छाती की काट दूंगा। तुम चाहते हो वो तुम्हें बताए कि क्या काटना है वाकई?
मुंह तो सेट कर दो। हाय राम, परदेसी के बच्चे भी आ गए कटिंग शटिंग करवाने। कैसे हो? ठीक हो? यस। पापा कहाँ, किधर है? पापा घर पे? अगर घर पे है तो मैं मिलकर जाता हूँ कटिंग करवा के ना। घर पे नहीं है यार, टिंड कर दो इसकी आज। यार ये बड़ा प्यारा है यार। हैं? टिंड कर दो मैं कह रहा हूँ। यू नो यू आर गेटिंग टिंड। यू नो व्हाट इज टिंड? यस। व्हाट इज टिंड? बाल्ड। बाल्ड? यस यस। यू वांट टिंड? यू वांट टिंड? इफ आई डू टिंड यू टिंड। ओके ओके। यू गेट टिंड। हां यू गेट टिंड। इफ यू डू टिंड आई टिंड प्रॉमिस। इफ आई डोंट डू टिंड यू गेट टिंड। नो ओनली मी नॉट। बच्चा तेज है। बच्चा है किसका? तेज तो होगा। बाप तो दो हाथ आगे है। लोग जो है ना मुझे कॉमेंट के अंदर कह रहे थे कि यार अपनी छाती के बाल तो देखो जरा है, जंगली बने हुए हो यार, एनल कपूर बने हुए हो भाई आप। एनल ये यार एनल कपूर का भी हम ये अच्छा लोग जो है ना करते हैं कुछ। आए आए हेयर रिमूवल क्रीम, ये नहीं सही फॉर, ये मैंने इस्तेमाल की है। मैन आए काफी सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई एनल कपूर बनते जा रहे हो, शादी के बाल बड़े कुछ इसको करना ही ना। अरे पूरी है 5 मिनट होने वाले हैं, गर्म हूं, बड़ी ठंड लग रही है। ओह नहीं नहीं ठीक है भाई, ठीक है, ओके। खाने हाय हाय मुझे तो मैं 5,000 में कर लूं। इसको चूसना है ये लो। चेक करो भाई, चिकना मुलायम मलाई किस्म का डर्की भाई आ गए तुम लोगों के सामने। अब मुझे तुम लोग कमेंट चेक करो भाई, यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं व्लॉग एंड करके जो है ना बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल।